सिर्फ सर्विस कराते हैं तो आपको जो खर्चा होगा लगभग 27.1 पे पहुंचा दिया है। ओके, तो अभी हम जा रहे हैं अपने टाटा अल्ट्रोज की चौथी सर्विस कराने, फोर्थ, 30,000 किलोमीटर वाली। तो आप देखेंगे उसमें कितना क्या चार्ज लगता है, किस चीज़ का कितना चार्ज लेते हैं, और आपको पूरा डिटेल में बताएंगे लास्ट तक, वीडियो में बने रहो। और अभी जब रास्ते में चलेंगे तो गाड़ी का माइलेज टेस्ट और करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, जल्दी जल्दी वीडियो को ख़त्म करते हैं। चलिए चलते हैं भाई, एवरेज आप दिखा देना जरा एक बार कैमरे में। तो अभी हम लोग निकाल रहे हैं 25 का एवरेज टाटा अल्ट्रोज से। तो अभी आप लोग देख सकते हैं, अभी हमने 25 का एवरेज, 25.5 का दिखा रहा है मैं इसको, 26 के हम 27 या 28 पे ले जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग पूछ रहे थे कि माइलेज कितनी देती है टाटा अल्ट्रोज, पेट्रोल है या डीजल नहीं है, ठीक है। हम कैसे निकाले, तो भाई गाड़ी काफी मतलब एक साल चलाई है और लगभग 30,000 किलोमीटर खींच दी है। तो अब देखिए आप, हम 26 पे भी इसको पहुंचा रहे हैं, इसका माइलेज 26.1 किलोमीटर, 27.1 पे पहुंचा दिया है। एक गाड़ी चलाने का तरीका होता है, मैं बहुत ही स्मूथ चला रहा हूँ गाड़ी। ये हमारा फोर्थ टाइम है जो हम लोग एटा के लिए निकल रहे हैं साथ में, और आज तो संडे था तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो आज कोई काम था नहीं, तो हमने कहा चलो गाड़ी की सर्विसिंग भी कराएंगे और धुरती भी देख सकते हैं। हमारे यहाँ भी छोटा मोटा ऊटी है भाई, हमारे यहाँ भी कभी कभी मिल जाते हैं इसी रास्ते, जो वाकई में अच्छे लगते हैं भाई देखने में। लगता है कि हाँ बस इन्हीं रास्तों पे चलते जाओ, दोनों तरफ से पेड़ों ने ढक रखा है रास्ते को एकदम बढ़िया से। जैसे गाड़ी आप 100 या 110 बजोगे तो ब्रेक तो यूज करना पड़ेगा, 70-80 चलोगे तो ब्रेक कम यूज करना पड़ेगा, गाड़ी तसल्ली से रुक जाएगी, जल्दी रुक जाएगी, तो ये चीज है भैया। जहाँ पे हम जाते हैं ना ये गाड़ी जाती, तो वो रोड बहुत खराब है, मतलब बहुत ही ज्यादा खराब है, सेकंडों में ब्रेक लेनी पड़ती है, सेकंड में। ओके, तो ये हमारी टाटा अल्ट्रोज की फोर्थ सर्विस थी, मतलब ये पेड सर्विस होती है, 3 सर्विसें फ्री मिलती हैं। तो मैंने इसको कराया था एटा में, जो आरए मोटर्स है, टाटा मोटर्स का सर्विस सेंटर आरए मोटर्स के, तो वहाँ से कराया था। तो इसका मैं अभी आपको सारा बिल दिखाऊंगा, कितना चार्ज लगा, क्या चीज़ कितने रुपए की लगी, सारा कुछ दिखाऊंगा अभी आपको। कुछ ये यहाँ पर मेरे पास बिल है, इसको मैं भी फोटो में ऐड कर दूंगा। यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा गर्मी है, अंदर बैठ के करेंगे, ठीक। यहाँ पर मैं आपको कुछ ये दिखाना चाहता हूँ कि जैसे इन लोगों ने जो कार को क्लीन किया है उसमें इन्होंने काफ़ी मिस्टेक की, मतलब बहुत ही गंदी तरह। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ आपको, तो ये देखिए वैसी ही मिट्टी भरी हुई है, इसमें देखिए आप, ये देखिए ये पूरे दाग वैसे ही हैं। और यहाँ पर जहाँ पॉलिश है वहाँ पॉलिश इतनी ज़्यादा भर दी, तो इसके अंदर देखिए आप साइड में पॉलिश काफ़ी ज़्यादा इकट्ठी हुई है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर वैसी ही मिट्टी है, ये देखिए सारी मिट्टी भरी हुई है, यहाँ पर तो कुछ किया ही नहीं, यहाँ भी मिट्टी है, ये देखिए कहीं कहीं पॉलिश इतनी भर दी और कहीं कहीं वैसी मिट्टी लगी हुई है। तो सर्विस हो चुकी है, पूरा बिल मैंने यहाँ पे सामने खोल के रखा हुआ है आपको समझाने के लिए, मैंने इसको यहाँ पे पूरा दिख रहा होगा आपको, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा अगर आपकी तीसरी चौथी सर्विस है 30,000 किलोमीटर की तो आपका कितना खर्चा आएगा। अगर आपको सच में सही से जानना है तो उसको पेन ले लो, तो मैं आपको नोट करा देता हूँ। सिर्फ सर्विस कराते हैं तो आपका जो खर्चा होगा लगभग, ये मैं बाकी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेन चीज़ क्या थी, गाड़ी जो होती है उन्होंने सही से साफ नहीं की। तो भैया आरए मोटर्स वाले अगर देख रहे हो तो अपने एम्प्लॉय पर थोड़ा ध्यान दो। तो सबसे पहला क्या है, ऑयल फिल्टर, ऑयल फिल्टर आपका पड़ेगा, अगर 30,000 किलोमीटर वाली सर्विस हो रही तो पड़ेगा पड़ेगा। तो उसके जो कीमत है, मतलब टैक्स लगा के जो कीमत होगी वो मैं बता देता हूँ पूरी फाइनल, वो होगी 171 रुपये, 170 रुपये मान लो, ठीक है, जिससे नोट कर लो कि हाँ आपका ऑयल फिल्टर तो पड़ना ही पड़ना है। दूसरा ऑयल, तो ऑयल जो है आपका 3.5 लीटर पड़ेगा, 3.5 लीटर, तो उसका जो प्राइस है टैक्स लगा के 2,019 रुपये, तो 171 और 2,019 रुपये, ओके। उसके बाद आपका पड़ेगा एयर फिल्टर, तो एयर फिल्टर की जो प्राइस है वो है आपका 860 रुपये, 860 रुपीज, तो ये आप तीन चीज़ें नोट कर लो। उसके बाद में आता है, ये तो सिर्फ मेरी गाड़ी में हुआ था, उसके बाद में हाँ देखिए मेरे में ब्रेक पैड पड़े हुए थे, तो 30,000 किलोमीटर पे सभी के तो ब्रेक पैड नहीं पड़ेंगे, तो उसका जो प्राइस मेरा पड़ा है वो है 2984 रुपये, लगभग 3,000 रुपये, तो वो आपके में नहीं पड़ेंगे, अगर पड़ रहा है तो ये प्राइस है, इसको नोट करो, नहीं तो नहीं नोट करना है आपको, ओके। लेबर चार्ज, चौथी सर्विस फ्री नहीं होती है, 3 सर्विसें तक फ्री होती है, चौथी सर्विस के लिए आपको पेमेंट करना पड़ता है, तो वो तो डिपेंड करता है कि आपके वहाँ पर क्या चार्ज पड़ता है। हमारे यहाँ पे आरए मोटर्स में लगभग 1700 रुपये पड़ते हैं, तो आप समझ लें आपके यहाँ जो भी पड़ता है तो आप समझ लें, उसमें थोड़ा अगर आप नेगोशिएट करेंगे तो कम भी हो जाएगा अगर आप बात कर पाते हैं सही से।
उसके बाद में हाँ, जो यहाँ पर मेरे में सबसे गलत हमें जो खर्चा लगा वो ये लगा कि इन्होंने जो ब्रेक पैड फिट की है उनके लिए 531 रुपये मुझे एक्स्ट्रा पे करने पड़े। मतलब लेबर चार्ज मैंने जो रुपए पे किया वो किया, 531 रुपये हमें पे करने पड़े सिर्फ और सिर्फ उन ब्रेक पैड को फिट करने के लिए। ये बात मुझे समझ में नहीं आई, क्योंकि मैंने बात भी की तो उन्होंने ये कहा कि ये हमारी पॉलिसी है। अब पॉलिसी है तो उसके लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ, उनकी पॉलिसी है। अब बेवजह की बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं था, और उस टाइम पे वहाँ जो हेड थे वहाँ के वो उपलब्ध भी नहीं थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊँ तो आप अगर सर्विस कराते हैं, अगर आप कोई पार्ट नहीं डलवाते हैं, 5 से 5.5 हज़ार के बीच में आएगा। जो मैंने चीज़ें बताई उन चीज़ों को नोट कर लो, समझ लो, है ना। और मेरे में कुछ अलग चीज़ें, जैसे ब्रेक पैड पड़ा था तो वो 3,000 रुपये, तो मेरा लगभग 8,500 रुपये पड़ गया था, है ना। तो ये है सिस्टम। तो तीसरी चौथी सर्विस का चार्ज आपका यही पड़ेगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो इस सर्विस से लेके या इस गाड़ी से रिलेटेड तो आप कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर देता हूँ भाई। और सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा ना, कर लो यार, अच्छा लगता है। मतलब नंबर भी बढ़ते हैं और पे पैसा भी आता है, ऐसी बात नहीं है। हाँ वो तो व्यूज से आता है, लेकिन नहीं फिर भी सही है, नंबर बढ़ जाते हैं तो किसी को बताओ इतने। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। सब्सक्राइब कर लेना, लाइक तो कर ही देना, सब्सक्राइब करने में शर्म आ रही हो। ओके बाय।